हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, वेलकम बैक इन योर क्लास। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर गॉड इज इन द पंच एंड टुडे आवर टॉपिक इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल सेल्फ इंट्रोडक्शन। यू विल हैव टू बाय प्रैक्टिकल नोटबुक्स in which you will write first practical. Okay, let us start. Self and peer introduction means apni introduction deni aur apne saman kisi aur vyakti ke, in sab ki humne kaise introduction deni, kyunki introduction ke upar hi hamara sara first impression hota hai, prabhav rehta hai. Isiliye जब भी आपको पूछा जाए कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है, तो आपने कैसे देनी है, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि होती क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन, किसे कहते हैं, क्यों सेल्फ इंट्रोडक्शन की जाती है। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के लिए जो हमारी पहली सीढ़ी है, कन्वर्सेशन मीन जो आपस में बात करते हैं, जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन मीन अपने खुद की इंट्रोडक्शन देनी। जब भी आप क्लास में आते हो, दो तीन बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो आपस में अपनी इंट्रोडक्शन देते हो, तो इसके कई तरीके होते हैं किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन देनी है एक दूसरे के साथ। इसमें हम फॉर्मल वे भी होते हैं, इनफॉर्मल वे भी होता है। फॉर्मल वे कहाँ पे यूज होता है, ऑफिस वगैरह में यूज होता है, जब हम इंट्रोडक्शन देने के लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स में जो हमारा होता है या फैमिली में होता है वो इनफॉर्मल होता है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन करने के लिए ये पहली सीढ़ी है। द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जिस तरीके से आप अपनी इंट्रोडक्शन या किसी की इंट्रोडक्शन किसी को दिखाते हो, दिलाते हो, तो उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो कैसा महान है, उसने क्या पढ़ा है, वो क्या है, what he is, पता चलता है उससे, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति में कितना है, प्राइड उसमें कितना है, उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, और उसकी जो उसने जो प्राप्त कर चुका है, उसकी एबिलिटी है, वो क्या है। द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ शुड रिफ्लेक्ट, जिस तरीके से आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो, जिस भी स्टाइल से आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो, उसमें क्या दिखाई देना चाहिए, द एबिलिटी यू है, जो भी तुम्हारे पास एबिलिटी है, जो तुम्हारे पास योग्यता है, जो तुम कर सकते हो, जो तुमने आज तक किया है, जो तुमने प्राप्त किया है, वो तुम्हारा कितना है। द कॉन्फिडेंस मीन जो आप में विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, जिस विश्वास के साथ आप एक दूसरे के साथ बात करते हो। द प्राइड जो आप में मान है, एंड द यूनिकनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी, और तुम्हारे व्यक्तित्व का जो अद्वितीय भाव है, मीन जो आपने बहुत अच्छी जो प्राप्तियां कर चुकी हैं वो कैसी हैं, ये सब उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं इसमें आपकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है, उसके साथ साथ आपकी जो लर्निंग्स हैं, जो आप अब तक पढ़ चुके हो, जो आपको ज्ञान है उसके बारे में भी पता चलता है, और जो स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर, जो शक्ति है काम करने की, कितनी शक्ति से तुम काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और जो तुम्हारे गुड टैलेंट्स हैं, तुम्हारे अंदर जो भी टैलेंट्स हैं वो सब इसमें इंट्रोडक्शन में आते हैं। क्योंकि जब भी हम इंट्रोडक्शन के लिए कोई एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले आपका स्टाइल देखा जाता है कि कैसे आपने एंटर किया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब उनको पहली बार बुलाया जाता है, क्लास में आते हैं, तो बिना किसी की आज्ञा मांगे, बिना परमिशन लिए अंदर आ जाते हैं, होता है ना ऐसा, तो ये इनफॉर्मल तरीके से तो होता है, लेकिन जब फॉर्मल आप अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप क्लास में एंटर करो तो क्या करना, सबसे पहले आपने परमिशन लेनी है, अंदर जो भी है, जो भी लेक्चरर है, उसे परमिशन लेके अंदर जाना है।
या आपकी इंटरव्यू कहीं हो रही है, वैसे इंटरव्यू रहे, तो आप जब तक उससे परमिशन नहीं मांगोगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। और जब वो कहे, जब आपको कहे बैठने के लिए, तभी ही आपने सीट पे बैठना है, वरना नहीं बैठना। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब एंटर किए क्लास में बिना कुछ कहे, आपके अंदर आराम से सर ने कुछ कहा ही नहीं, तो आप आराम से बैठ जाते हो, ये भी गलत होता है। तो ये सब तरीके होते हैं जब आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी। नेक्स्ट है, ये मैं बता दिया आपको, टैलेंट्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द टोन ऑफ योर वॉइस। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी चीजें जब आप अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उसकी आपकी वॉइस में उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आपका ठीक तरीके होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लो हो और बहुत ज़्यादा फास्ट भी ना हो, किसी को समझ ना आए, और इतना ज़्यादा बिल्कुल धीमे से ना बोलो ताकि किसी को सुनाई ना दे, और ज़्यादा भी ना बोलो कि ऐसा लगे कि आपकी वाणी जो है कर्कश। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। ओके, नेक्स्ट है, और इस वॉइस के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, मीन किस तरीके से आप अपने आपके बॉडी का जो व्यवहार है उसकी, देखो खाली लैंग्वेज ही काम नहीं करती, हमारी बॉडी की लैंग्वेज भी काम करती है। आंखों से ही हम कई इशारे कर सकते हैं, हाथ से इशारे कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हम अपनी पूरी भाषा बोल सकते हैं। कई बार आपने देखा कि एक दूसरे को इशारे से पता चल जाता है हमारी भाषा को, दूसरे व्यक्ति जो हमारे सामने हैं जिस तरीके से हम बात करेंगे आंखों से वो उसको समझ जाए। तो ये बॉडी लैंग्वेज भी हमारी यहाँ काम करती है। ये सब चीजें इसी में आ जाए, इंट्रोडक्शन के बीच में आ जाए। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन क्रिएट्स एन इम्प्रेशन अबाउट द कंसर्न्ड पर्सन। कंसर्न्ड पर्सन जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या खुद की इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी को, या अपने किसी और व्यक्ति की इंट्रोडक्शन किसी से करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इम्प्रेशन शो करती हैं कि उसका प्रभाव कैसा, किस तरीके का व्यक्ति। देखो एक बार एक व्यक्ति किसी को, किसी की इंट्रोडक्शन किसी से करवा रहा है, तो उसको बताएगा कि ये फलां व्यक्ति है, यहाँ रहता है, इसने ये काम किया है, इसने इतनी पढ़ाई की है, ये कौन सी कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल में काम करता है या कहाँ काम करता है, तो इसने इतने स्कॉलरशिप अटेंड किए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इसी में आ जाएंगी। आगे उन्होंने कहा जो इंट्रोडक्शन होती है, जब भी इंट्रोडक्शन होती है तो ये हमारी दो तरह की होती है, मैंने जैसा पहले बताया, एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे में आप लिखोगे कि जो हम वहाँ जहाँ काम करते हैं, जहाँ हमारा कोई बिजनेस है, जहाँ कोई मीटिंग सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग सेमिनार होते हैं, या कोई किसी व्यक्ति की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी सिलेक्शन होनी है, तो वहाँ गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यहाँ की इंट्रोडक्शन जो होती है, जहाँ का जो वातावरण होता है वो अलग होता है, वो किस तरीके से ऑफिस में हमने जाना है, किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। और ये भी नहीं होता, कई बार सर्दियों में ऐसा होता है कि जो बच्चे जब क्लास में आते हैं तो वो अपनी कोट की जेब में हाथ बनू डाल रहे, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको सर्दी लग रही है, हाथ डालो, लेकिन जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं तो कम से कम उस समय तो ठीक हो जाए, क्योंकि कई कई जगहों पर आपको फॉर्मल आप फॉर्मल तरीके से पेश में आना होता है, जहाँ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसमें आपके ये तीन चार चीज़ें, वर्क जहाँ का आप काम कर रहे हो, बिजनेस है, मीटिंग सेमिनार एक्स्ट्रा, वहाँ पे हम फॉर्मल तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन दें। और कई जगह पे होती है इनफॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल वे, वहाँ इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के साथ आप अपने तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हो किसी भी तरीके से, और उसमें जब वो आप कोई और पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो किसी और तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, वहाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। और फैमिली गैदरिंग जब होती है तब भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ आ गए। तो अभी तो क्लास नहीं है ना, अभी आप ऑनलाइन हो तो कैसे कर, जब हम क्लास में होते थे ना तो बच्चों के लिए ग्रुप बना देते थे कि दो दो तीन दिन बच्चे आपस में देखो, आपस में एक दूसरे, आप पहले खुद की इंट्रोडक्शन दो और फिर अपने साथ वाले किसी और, जैसे कोई दोस्त आ गया आपका, कोई कहीं से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई यूपी से आ गया, तो आप उसकी इंट्रोडक्शन कैसे दो। तो ये आप थोड़ी घर में प्रैक्टिस कर सकते हो इसके बारे में। और सबसे पहले तो ये है कि आप बुक्स जरूर खरीदोगे, बुक्स खरीदोगे तभी पढ़ पाओ। तो उसमें लास्ट में आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल, जितने भी प्रैक्टिकल आपने करने हैं 7-8 होंगे,
तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो वो आपने अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है, लिखना है रिटन वर्क आपका होगा, फर्स्ट असाइनमेंट भी आपको दी जाएगी जो चेक होगी। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा आपको एग्जांपल है, जैसे दो बच्चे खड़े हैं या दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या किसी सर से बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कैसे वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये सपोज ए, हमने नाम दे दिया उनको ए, वो कहता है मेल कमिंग सर, मीन इनके सर होंगे वो बैठे हैं कुर्सी पे, तो जब कोई इंट्रोडक्शन देने के लिए आए उनके साथ कोई उनका कोई स्टूडेंट है या कोई और है बच्चा, तो वो बाहर से आता है तो सबसे पहले आके परमिशन मांगता है कि मे आई कम इन सर। उन्होंने कह दिया कम इन प्लीज, मीन आप अंदर आ जाओ। जब उन्होंने कह दिया अंदर आ जाओ तब आप एंटर कर सकते हो। वो कहते हैं आप सबसे पहले आके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो उसका जो जवाब है वो भी वैसे ही देंगे। गुड मॉर्निंग में उन्होंने भी कह दिया गुड मॉर्निंग सर। अब देखो गुड मॉर्निंग हो गया, फिर उन्होंने कहा सिट डाउन प्लीज। जब उन्होंने कह दिया सिट डाउन प्लीज तभी आप अपनी चेयर को ऑक्यूपाई करो, अदरवाइज नहीं करो, तब तक नहीं करो। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने गुड मॉर्निंग आपस में उनकी हो गई, उन्होंने कह दिया सिट डाउन प्लीज, तो आप थैंक यू करना मत भूलें, मीन आपको उस समय थैंक यू करना है। ओके, तो नेक्स्ट उन्होंने कह दिया, अब इंट्रोडक्शन हमने सर ने इंट्रोडक्शन तो लेनी है ना उसकी, तो वो कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो सबसे पहले आपको ये जरूर कहते हैं कि पर्सन अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, मीन आप में क्या एबिलिटीज हैं, कैसे हो, तो ये सब इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो जो बच्चा गया है अंदर क्लास में एंटर किया है, उसने कह दिया कि माई नेम इज सो एंड सो, जो भी आपका नाम है वो आप बताओ, हैं फिर लिखो आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट सा किया, बिल्कुल शॉर्ट सा किया, आई फिनिश माई ग्रेजुएशन या आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट, क्योंकि आपने एबिलिटी बतानी है अपनी, और एक आपने अपना प्राइड बताना है, अपना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें उसमें टोन में शो होनी चाहिए। फिर आप कहोगे कि इन बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने ये अपना किया, ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद आपने कभी सर्विस के लिए आपको कहीं और आगे बढ़ना है तो आप वहाँ बता सकते हो कि आई हैव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कहाँ पे, इन ए मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो सर को लगेगा ठीक है, उनको इतना एक्सपीरियंस चाहिए था, कोई फ्रेश नहीं था, फ्रेश बच्चा नहीं है, तो उन्होंने कह दिया ओके ओके। जब आपकी इंट्रोडक्शन खत्म हो गई है तो आप परमिशन लेके, सर से परमिशन लेके आप बाहर जाओ कि मैं बाहर जा सकता हूँ, ये को ना, तो जब वो कह देंगे आपको परमिशन दे देंगे तो आप वहां से जा सकते हो। ये है आपका फॉर्मल वे ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके बच्चों, लर्न इट एट होम एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, प्रैक्टिकल नोटबुक, प्रैक्टिकल की आपको कॉपी मिलती है बाजार से, तो वहाँ पे आप अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारा ये है इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्लियर इंट्रोडक्शन, तो ये आप कॉपी से लिख लेना। ओके, नेक्स्ट वी विल मीट अगेन। ओके, बाय।